गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज कृति एंड आई रियली डू होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइज आज को ब्लॉग स्टार्ट हो बिहान को 6 बजे एंड आज से हम जाना आगे मनोकामना। हम हिजे आर मुंगलिंग में बसि थी, अब ठेक्क बाहर पूरी चार जारी टिकट काटने एंड देन हम जान मनोकामना। सो यह हम लास्ट डेस्टिनेसन योर टूर को एंड अनि मनोकामना दर्शन कर सके हम जा घर। ये मेरे पर्स ठूल भर मैं यहाँ बांधे हिजो पोखरा में किनेको पर्स एकदम। आज हम दीक्षा को बर्थडे, हैप्पी बर्थडे दीक्षा। सो गाइज अहिले नै ये भिड़ भैस यहाँ बाहर कुरिन टार को लगी ए मनोकामना को लगी हे कुरिन टार बाहर ये राम 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 राम। हम तल छ यहाँ परिवार। कुरिन टार को ढोका 7 बजे खोलि अरे अहिलेदेखि नै मान्छे यति भीड यति भीड यति भीड कतिखेर ढोका खोलि भित्र पस्नु जस्तो भएको छ हैन सब यहाँ मान्छेहरुलाई। एंड हामी पनि जति सक्दो चाँडो दर्शन गरेर घर फर्किन्छम। आज हामी घर जाने आफ्टर 1 वीक अफ टूर एंड या एभ्रीथिङ इज गोइङ सो गुड लागेको छ। And this is my second time to Manakamana. Khushi chhas? Oi sun. Oi. Oi. Kriti didi ko tarfa bada birthday ko gift bujhis ni? Ei. Durbin na liunja chha ta mala please please bhanchhas durbin liye pachi ta kura gardainas. Gari gari hoilo. Thank you one. Eta aida na eta eta. थैंक यू वन गुड। सो गाइज मैं दर्शन कर सकें, मैं दीपक अंकल, कुमार अंकल एंड बुआ हम सब दर्शन कर सकें। मम्मी वहाँ पछाड़ी लाइन में हो, मैं अगड़ी भाग थे कि आईहाल्ह हई म यहाँ बसि लाइन में जानने भर पछाड़ी जानू तो पछाड़ नहीं हो। अब हम तो जान खाना खाना खाजा साजा कहीं खाना। बाबा कह जान त अब हम बाबा फोन कर। अब हमी खाना खाने को यहाँ अर्डर दी राखा छूँ। मम्मी अज अब कति घंटा लग्स है आज यो लैंग केबल कार में राम ते मत मेरे मोबाइल में स्टोरेज भी थे ब्लग भी करना पाइन। भर्खर भर्खर मम्मी को मोबाइल पाए अब ब्लग कर फोटो खींचु कहीं कर खाने मैं अलसम। अब मनोकामना को चिन्ह लाने ला बुआ हो। बुआ तब कस्त लगे दर्शन करें? अब जान मनोकामना को चिन्ह लीन के लू पे मैं हर एक ठाव कहीं ना कहीं ली रा लाँचु म। सो गाइज मैं मनोकामना को चिन्ह में के ठा आ 150 आफ्नै पैसा लिएर अनि कसको पैसा लिएर के भन्छ कहाँबाट पाउँछ दसैँको पैसा नि। मैले यति जम्मा गरेर राखेको थिएँ मुक्तिनाथको लागि यताको लागि त डर लाग्छ सब मैले सधैँ मेरो पैसा दिन्छु म बाबाले खर्च गर्छु। सो गाइस हामी चाहिँ खाना साना खाएर फ्यामिली फोटो खिचेर अब चाहिँ जान आँट्यौँ। अब हामी यहाँबाट जान्छौँ होटल एन्ड त्यस पछाडि पर्दैन अनि होटल गइसकेपछि एंड वी विल गो टू आज अ घर। अभी आज दीक्षांत को बर्थडे अभी हेटौड़ा पुगे सान केक कट करते हम बस। गाइज मम्मी ने यहाँ बड़े ये काठ को किस्ती किन्न हो अने जहाँ पुन्य बाबा ने हमें काठ को पेन किन दुईटा क्रिस्टल को मैं राम्रो छ तो पेन मैं लेख्छु। अब एकदम हतार हतार करते हम गई क्योंकि 12 बजे आँट सको। 12 बजे 1.5 घंटा बंद हो खाना को लगी ये भीड़ हमी ते भर यो चाँडो 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 गई ये भीड़ नहीं बाइचांस बंद भाई 1.5 घंटा बस्त यहाँ। सो नाउ वी आर मूविंग 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 एंड वी आर रिट्रीविंग मूविंग।
गोपाल कुट्ने बेल भैसको फोटो निकाल्नु हामी चाहिँ पुरिन टाढा आयौँ. यति जाम छ अहिले पनि, यति जाम रे, यति लाइन छ अहिले पनि मान्छेहरूको. बरु बिहान त्यति धेरै लाइन थिएन हामी आउँदा, अहिले जति छ यति लाइन छ. गाइज लाइन उत्ते माथिसम्म छ, हेर्नु उत्ते माथिसम्म यत्रो लाइन कहिले. सो गाइज अहिले चाहिँ हामी आइपुग्न आँट्यौँ हेटौँडा, एन्ड अब चाहिँ हामी दीक्षान्तको बर्थडे सेलिब्रेट गर्ने. तँ पनि गाडीमै अघि वनबाट हामीले केक लिएको थियौँ, अब अहिले काट्ने गाडीमै पुरा जङ्गलको बिचमा. यो चाहिँ मिस्टर दीक्षान्त ढुङ्गानाको केक, यो चाहिँ हो दीक्षान्त ढुङ्गाइज. यता हेर्दा भाइ कस्तो छ केक सडेनली चेन्ज इन प्लान. अब हामी बसभित्र नै बाहिर खुल्ला आकाशमा दीक्षान्तको बर्थडे सेलिब्रेट गर्छौँ. ऊ त्यहाँ अब हामी जाने कम 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 बहुत खुसी छ दीक्षान्त. अझ यस्तो भन्दै त केक देख्ने बित्तिकै अस्ति नै पनि यसरी नै मनाएको गर्दै थियो खुसीले. दीक्षान्त ह्याप्पी बर्थडे. फोटो खिच्नु न. माथिको भाग चाहिँ मलाई मन पर्दैन. सो नाउ दीक्षान्तको बर्थडे पनि भयो, बर्थडे भयो अझै खाइरहेको छु. खाइसकिनस् ओए भाइ, खाइसकिनस्, म सघाइदिउँ.